अगर आप पर कोई शिकारी या प्रेडेटर हमला कर दे तो आपके पास तीन ऑप्शन होंगे, या तो आप मुकाबले के लिए डट जाएं, भाग खड़े हों, या मुर्दा होने की एक्टिंग करें। लेकिन छिपकलियों, लिजर्ड्स या गेकोस के पास एक चौथी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी भी होती है, ऑटोटोमी, जिसमें छिपकलियां अपनी दुम को खुद गिरा कर या शेड करके उसकी कुर्बानी दे देती हैं और अपने शिकारी या प्रेडेटर का ध्यान बटाकर अपनी जान बचा लेती हैं। ये मैकेनिज्म जरूरी है। मसलन एक सांप पीछे से छुपकर एक छिपकली पर वार करता है, तो इससे पहले कि वो छिपकली को निगल जाए, छिपकली अपनी दुम की कुर्बानी देकर आगे जा भी चुकी होती है और यूं जिंदगी छिपकली को जीने का एक दूसरा मौका देती है। 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के योहान्नेस फोफोपुलस ने ग्रीस और एजियन सी के जजीरों में पाई जाने वाली छिपकलियों पर रिसर्च की और एक आर्टिकल शाया किया। इस आर्टिकल का खुलासा यही है कि इर्तकाई तौर पर ऑटोटोमी उन्हीं लिजर्ड्स में ज्यादा होती है जिस इलाके में सांप खसूसन वाइपर्स ज्यादा हों। इट मेक्स सेंस, यानी ये बात समझ में भी आती है। एक जहरीला वाइपर स्नेक जब छुपकर पीछे से वार करता है तो इससे पहले के जहर छिपकली के वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचे, छिपकली अपनी दुम खुद ही शेड कर देती है। तो क्या हुआ कि दुम चली गई, जान तो बच गई ना। दुम के गिरा देने से छिपकली को आजादी तो मिलती है, लेकिन जिंदगी में हर चीज की तरह इसकी कीमत भी छिपकली को चुकानी पड़ती है। मसलन दुम के बगैर वो दूसरी छिपकलियों की तरह तेज नहीं भाग सकती, स्पेशली जब उसको दीवार पर चढ़ना हो। जैसे गरीब आदमी को हमारे माशरे में कोई नहीं पूछता, ऐसे ही बगैर दुम की छिपकली का सोशल स्टेटस उसकी अपनी ही कम्युनिटी में कम हो जाता है। ऐसी छिपकलियों को मेटिंग के लिए पार्टनर ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये कि छिपकलियां दुम में स्टोर हुए फैट्स और न्यूट्रिएंट्स से हाथ धो बैठती हैं। दुम में मौजूद फैट से ही छिपकलियों ने हाइबरनेशन में गुजारा करना था। हाइबरनेशन मतलब जब रेप्टाइल्स यानी छिपकली और सांप सर्दियों में सुस्त होकर सोए पड़े रहते हैं। दुम में ये स्टोर हुई खुराक इतनी जरूरी होती है कि कुछ लिजर्ड्स दोबारा रिस्क लेकर उसी जगह जाती हैं जहां प्रेडेटर था या अब भी हो सकता है, और कोशिश करती हैं कि उस बची खुची दुम को खुद ही खा लें। एक और नुकसान ये होता है कि अब गलती की गुंजाइश निश्ता। चूंकि दुम दोबारा ग्रो या रीजनरेट होने में कुछ महीने लग सकते हैं, तो अब अगर छिपकली पर हमला हुआ तो उसके पास शेड करने के लिए कोई दुम नहीं होगी। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल होता है। फर्ज करें आप पर कोई ज़ॉम्बी हमला करते और आपका बाजू चबा ले जाए तो आपकी क्या हालत होगी? जाहिर बात है खून में लथपथ होंगे और जहां से बाजू उधड़ा है वहां भी बहुत ज्यादा खून होगा। तो छिपकलियां जब अपनी दुम गिराती हैं तो ऐसा क्यों है कि जख्म बड़ा क्लीन लगता है? इसकी वजह छिपकली की दुम की शानदार और यूनिक एनाटॉमी है। छिपकली की दुम प्री कट होती है और जगह जगह पर इसके फ्रैक्चर पॉइंट्स होते हैं। इन फ्रैक्चर पॉइंट्स के बीच मसल्स भी एक दूसरे से लूजली अटैच्ड होते हैं। जब कोई इमरजेंसी होती है या कोई हमला होता है तो छिपकली किसी भी फ्रैक्चर पॉइंट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है और तभी दुम उस जगह से उतनी ही आसानी से टूटकर गिर जाती है जितनी आसानी से सॉकेट में से प्लग निकल जाता है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि दुम फड़फड़ाती रहती है। हालांकि ये जिंदा नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें एक अपना न्यूरल सर्किट और इतनी एनर्जी होती है कि एक मिनट तक फड़फड़ा या फ्लिकर कर सकती है। आखिर में ऑटोटोमी का ये सारा अमल शिकारी और शिकार दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। शिकारी को मिलता है फैट से भरपूर खाना और शिकार को मिलता है एक नई जिंदगी का बहाना। अरे ये तो शेर हो गया। अगर इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए, जानिए।